तो हमास और इसराइल के बीच छिड़ी है जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। गाजा की तबाही और बर्बादी की हिला देने वाली तस्वीरों ने मुस्लिम मुल्कों में कोहराम मचा कर रख दिया है। इसराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिहार से चार गुना छोटे इसराइल के खौफनाक हमलों ने 22 अरब मुल्कों में गदर मचा कर रख दिया है। अरब लीग ने यह साफ कह दिया है कि इसराइल को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को यह पता चला है कि हमास हिजबुल्ला के साथ मिलकर इसराइल को जमीन पर तबाह करने का प्लान भी बना चुका है। और तो और अब हमास के साथ हिजबुल्ला को भी खत्म करने की तैयारी की जा रही है। हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्ला अभी बाकी है। हमास और हिजबुल्ला के पास 2,55,465 लड़ाके हैं। अकेले गाजा में ही हमास के पास 27,000 से ज्यादा स्पेशल सुसाइड लड़ाके हैं। हिजबुल्ला के पास स्पेशल फोर्स स्तर के 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 हिजबुल्ला कमांडो सक्रिय हैं, जबकि हिजबुल्ला के 25,000 लड़ाके रिजर्व में हैं। हिजबुल्ला ने धमकी दी है कि वो इसराइल पर 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलों से हमला करेगा। इसके अलावा हिजबुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल के टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल आत्मघाती ड्रोन से दबा कर डालेगा। यहाँ तक कि हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। उत्तरी गाजा से भागे 11 लाख, सुरंग में घुसा हमास। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इसराइल को जमीन पर हराने के लिए गाजा के इलाकों में सुरंगों में अपना मोर्चा पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास ने गाजा में लगभग 150 वर्ग किलोमीटर लंबी सुरंगें बना ली हैं। हमास के लड़ाकों को सुरंग युद्ध में महारत हासिल है। हमास इन्हीं सुरंगों से इजरायली सेना पर लगातार रॉकेट और छोटी मिसाइलें दाग रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा रॉकेट हमास इसराइल युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गाजा पर इसराइल की एक और बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। गाजा पर इसराइल ने फिर से बमबारी की है। हमास के ठिकानों पर आज सुबह इसराइल ने हवाई हमले किए हैं। हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हमले में दिखा गाजा में किस तरह से जबरदस्त धुआं उठता है। और इसका अल्टीमेटम पहले इसराइल की ओर से दे दिया गया था कि पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए, क्योंकि बड़ा हमला इसराइल करने वाला है इस पूरे गाजा पट्टी वाले इलाके। सायरन के साथ ही यहां पर अलर्ट जारी और उसके बाद एक बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है इसराइल की ओर से गाजा पर, और एक बड़ा धमाका जो दूर से ही कैमरे में भी कैद हुआ। हम आपको बता दें, साल 2014 में इसराइल ने 40 मिनट तक 160 फाइटर जेट से हमास के सुरंगों पर हमला किया था। उसके बावजूद हमास का सफाया नहीं हो पाया था। इसीलिए इजरायली सेना इस बार हमास की सुरंगों को पूरी तरह से साफ कर देना चाहती है। इसीलिए इसराइल ने पूरा उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दे दिया है। उत्तरी गाजा में इसराइल बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। मैं खुद देख चुका हूँ कि इसराइल की IDF बड़े हथियार, तोप, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को गाजा बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। इस बार इसराइल ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिससे गाजा और पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि हमास के साथ साथ सीरिया, लेबनन और ईरान ने भी इसराइल की राजधानी तेल अवीव को तबाह करने का प्लान तैयार किया है, जो वाकई बेहद खतरनाक है। ईरान की टॉप लीडरशिप हमेशा हमास का साथ देती है और अब ईरान हमास और हिजबुल्ला के जरिए इसराइल को जंग में हराने की कोशिश कर रहा है। जरा देखिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई इसराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर क्या कह रहे हैं। پونزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. غزه کو زمین میگار دونگا।
इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में खूनी बदले लेने शुरू कर दिए हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से हमास और फिलिस्तीन के नागरिकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इजरायल से 62 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी के कई इलाके कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहीं इसराइल से 166.3 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में इसराइल के हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक लाशों से पटने लगा है। भागते मरते और भूख से तड़पते फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के हालात देखकर मुस्लिम देशों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला में दूसरे नंबर के टॉप कमांडर ने लेबनन की राजधानी बेरूत से इजरायल को धमकी देते हुए हमास का हौसला बढ़ाया है। हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों में से एक हाशम सफीदीन ने बेरूत के पास दही में जो बयान दिया है वो बेहद खौफनाक है। देखिए हिजबुल्ला के कमांडर हाशम सफीदीन ने क्या कहा है। हमास के साथ हिजबुल्ला आखिरी दम तक साथ देगा और इसराइल को जमीनी जंग में हराएगा। लेबनन में हिजबुल्ला इतिहास, हमारी बंदूकें और हमारे रॉकेट हमास के साथ हैं। गाजा पट्टी में इसराइल ने भयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है। हमास के कमांडर और लड़ाकों को चुन चुन कर इस वक्त इसराइल की स्पेशल फोर्स मार रही है। हालात ये हैं कि गाजा पट्टी इस वक्त पृथ्वी का नर्क बन चुका है। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने इसराइली नागरिकों को साफ आदेश दे दिए हैं कि गाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। इसराइली वायुसेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। 2000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन चुन कर तबाह कर रहा है। اقسم بالله العظيم انه متدمر من جوا هذا البيت خذ اطلع فيه كل بيوت اللي عم بقرا تبيها تحت المنطقه هذه او الحي هذا راحت। हमास के साथ मिलकर हिजबुल्ला इसराइल के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। अब देखना होगा अगर उत्तरी गाजा में इसराइल भीषण हमला करता है तो हमास और हिजबुल्ला बदला कैसे लेंगे। हम आपको बता दें कि इसराइल ने गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके को खाली करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। गाजा की एक तिहाई आबादी उत्तरी गाजा में रहती है। इस इलाके को सिर्फ 24 घंटे में खाली करना नामुमकिन है। अब देखना होगा कि क्या वाकई इसराइल उत्तरी गाजा में हमला करके लाखों फिलिस्तीनी लोगों को मार सकता है या फिर हमास को मारने के लिए कोई दूसरा तरीका निकालेगा।